ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना जायका यानी वन परितंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में 800 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। ये जानकारी जायका के चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर नागेश गुलेरिया ने मंडी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान दी। जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना जायका यानी वन परितरण प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में 800 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। ये जानकारी जायका के चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर नागेश गुलेरिया ने मंडी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान दी। कार्यशाला में वन विभाग के उच्च अधिकारियों और प्रोजेक्ट के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान नागेश गुलेरिया ने बताया कि 800 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की फंडिंग अप्रैल 2020 के बाद की जाएगी, जिसमें 80% पैसा जायका के सॉफ्ट लोन की तरह मिलेगा, जिसमें भी केंद्र सरकार प्रदेश को ग्रांट देगी, जबकि 20% पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा, जिनमें वन सुधार, वन प्राणी सुधार और ग्रामीण आजीविका में सुधार पर फोकस दिया जाएगा। वनों को किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जा सके, वन प्राणियों का जीवन किस तरह से बेहतर किया जा सके और वनों पर आश्रित लोगों को रोजगार कैसे मिले और उनमें कैसे सुधार हो, इन बातों पर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से काम किया जाएगा। नागेश गुरेलिया ने बताया कि अभी इस प्रोजेक्ट का आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है और अप्रैल 2020 के बाद ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से काम करने लगेगा। नागेश गुरेलिया ने बताया कि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों में और बल देगा। अभी भारत पर्यावरण संरक्षण में वर्ल्ड लीडर बनकर उभर रहा है और रेड प्लस के प्रति भारत ने जो प्रतिबद्धता दोहराई है उसे पूरे करने में ये प्रोजेक्ट काफी अहम भूमिका अदा करने वाला है। उन्होंने वन विभाग और प्रोजेक्ट के अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट को पूरी लगन से करने का निर्देश भी दिया। ये जो प्रोजेक्ट है कुल मिला के 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 20% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी और 80% जो हिस्सा है वो जायका से भारत सरकार को लोन के तौर पे आएगा, सॉफ्ट लोन बोलते हैं। उस 80% में से भी 90% हिस्सा जो है भारत सरकार हिमाचल सरकार को एज ए ग्रांट दे रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार को इसमें कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है और भारत सरकार उसका ध्यान रख रही है। सिर्फ 10% हिस्से पे हिमाचल सरकार जो है वो अपना योगदान देगी। तो बाय एंड लार्ज ये जो प्रोजेक्ट है ये सारा का सारा जो है ग्रांट की फॉर्म में है और हिमाचल प्रदेश के लिए जो है ये बहुत बड़ा एक केंद्र सरकार का और जायका का योगदान है। आज हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड लीडर बन रहा है हमारे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए और क्लाइमेट चेंज वाले इशू को लेके। ये जो प्रोजेक्ट है ये रेड प्लस के जो क्राइटेरियाज हैं और इंडिया की जो रेड प्लस के लिए जो कमिटमेंट है उसको मीट विद करने के लिए ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है और जो उसके मेन क्राइटेरियाज हैं वो क्राइटेरिया इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एड्रेस हो रहे हैं। सो ये जो बहुत बड़ा एक ग्लोबल इशू है कहीं ना कहीं इस ये प्रोजेक्ट भी कुछ योगदान उस इशू को एड्रेस करने के लिए दे रहा है।